नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल जियो फिनिश में। दोस्तों हाल फिलहाल की खबरों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आइए उससे पहले जान लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। दोस्तों हम इस वीडियो में आखिरी में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी को केरल दौरे पर मिल गई है जान से मारने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों में मच गया है हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे पानी के लिए तरस रहे हैं चेन्नई के लोग, केरल ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ तो तमिलनाडु ने ठुकराया। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे तीन तलाक पर ओवैसी का सवाल, मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी है तो हिंदुओं से क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे सस्ते ट्रैफिक का कमाल, डेटा खपाने में पूरी दुनिया में नंबर वन पर है भारत। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में फिर हुआ फायरिंग, कुछ दिन पहले ही यहीं पर हुआ था आतंकी हमला। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे बहुत बड़ी खुशखबरी है टीम इंडिया के लिए, यह खतरनाक खिलाड़ी हो गया है फिट। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे अमेरिका ने 768 करोड़ के नीलामी, भारत में शाही गहने, शाहजहां के खंजर की कीमत करोड़ों में है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे हंगामे के बीच पास हुआ तीन तलाक का बिल, कांग्रेस ने बिल का किया है विरोध। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने दी ईरान पर हमले की मंजूरी, फिर अचानक फैसला पलटा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे दुनिया भर में मनाया जा रहा है पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा धर्म और जाति से ऊपर है योग। दोस्तों खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच रहे और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दे। दोस्तों आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। दोस्तों अमेरिका ने 785 करोड़ के नीलामी, भारत में शाही गहने, शाहजहां के खंजर की कीमत करोड़ों में है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित एक नीलामी में भारत के शाही गहने की नीलामी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्शन हाउस क्रिस्ट में लगभग 10.9 करोड़ यानी लगभग 758 करोड़ रुपए में भारतीय गहनों की नीलामी हुई है, जिसमें से मुगल बादशाह शाहजहां के खंजर जिसके दस्ते में जेड स्टोन लगा हुआ है, हैदराबाद के नीलामों के एक अनुष्ठानिक तलवार और आभूषणों के जड़ित एक मध्यकालीन हुक्का भी मिल गया है। यह नीलामी बुधवार को हुई है जिसमें महाराजाओं और मुगल के भव्यता से जुड़ी हुई कुल 400 चीजों की नीलामी हुई है। क्रिस्टो ने एक बयान में कहा है कि यह भारतीय कला और मुस्लिम वस्तुओं को किसी भी नीलामी के लिए सर्वाधिक बोली और एक गहने पर निजी संग्रह की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। इस नीलामी से जो वस्तुएं शामिल की गई हैं वे कतर के शाही परिवार के अल थानी संग्रह की थी। कतर के शाही परिवार के पास यह वस्तुएं विभिन्न कालखंडों में पहुंची थी। यह नीलामी का खास आकर्षण बन गया है शाहजहां के खंजर जिसकी बिक्री लगभग 23.4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा भी शाहजहां से जुड़ी तमाम चीजें रिकॉर्ड कीमतों पर नीलामी हुई है। जी हां दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि हंगामे के बीच पेश हुआ तीन तलाक का बिल, कांग्रेस ने किया है बिल का विरोध। जी हां दोस्तों, मुस्लिम समाज में एक बार फिर से तीन तलाक यानी कि तलाक ए विद्दत की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से जुड़ा नया विधेयक शुक्रवार को लोकसभा के हंगामे के बीच पेश हुआ है। तीन तलाक बिल को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया है। लोकसभा से जुड़ी कार्रवाई सूची के मुताबिक मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पेश हुआ है। पिछले महीने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में निलंबित हो गया था। दरअसल लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके निलंबित होने की स्थिति में निचले सदन यानी लोकसभा के भंग होने पर यह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है। सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक आदेश जारी किया था। इसका कारण यह था कि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद से यह राज्यसभा में निलंबित हो गया था। मुस्लिम महिला यानी कि विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अध्यादेश 2019 के तहत तीन तलाक के तहत अवैध अमान्य और पति को इसके लिए 3 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फायरिंग, कुछ दिन पहले ही यहीं पर हुआ था आतंकवादी हमला। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे केपी रोड एरिया में गोलीबारी की तांडव फिर से सुनाई दी गई है। यहीं इलाके में बात करें तो यहां पर कुछ दिन पहले ही फायरिंग से सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर फायरिंग किया गया था जिसमें से 5 लोग शहीद हो गए। जी हां दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि सस्ते ट्रैफिक का कमाल, डेटा खपाने में पूरी दुनिया में भारतीय नंबर वन पर। जी हां दोस्तों, भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स पूरी दुनिया के मुताबिक हर महीने कहीं ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात एक रिपोर्ट के सामने आई है। स्वीडिश टेलीकॉम इकोनॉमिक मेकर एक्सपीरियंस के रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हर महीने औसतन 9.8 GB डेटा की खपत होती है। ये खपत बढ़कर के वीडियो कॉन्टेक्ट के चलते 2024 तक बढ़कर के 18 GB तक पहुंच जाएगी।
एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट जून 2019 एडिक्शन में कहा गया है कि भारत में हर महीने औसतन सबसे ज्यादा डेटा खपत होती है। यह आंकड़ा 2018 के अंत तक 9.8 GB था और LTE सब्सक्राइबर के बढ़ते नंबर्स और सर्विस प्रोडक्ट्स द्वारा किए जाने और आकर्षित डेटा प्लान और युवाओं द्वारा वीडियो देखने की आदत को बढ़ावा के चलते हर महीने इसकी खपत बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति माह मोबाइल डाटा ट्रैफिक CGR मतलब कि कंपाउंड एक्चुअल ग्रोथ रेट 23% फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें से 2018 तक 4.6 एक्साइड का ऑफर बढ़कर के 2024 तक 16 एक्साइड पर पहुंच जाएगा। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स बेस साल 2024 तक 1.1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। वहीं मोबाइल सब्सक्राइबर्स 2018 में लगभग 610 मिलियन से बढ़कर के 2024 तक 1.25 मिलियन हो जाएगा। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G नेटवर्क आने के बाद से कंपेटेबल डिवाइसेस बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे और इसके बाद 360 डिग्री वीडियो स्ट्रीमिंग और वर्चुअल एक्चुअलिटी मोबाइल ट्रैफिक ग्रोथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एरिक्सन इंडिया में हेड नितिन बंसल ने कहा है कि डिवाइस की बेहद पहुंच और किफायती डेटा ट्रैफिक प्लान और वीडियो जैसे डेटा बेस्ड कॉन्टेक्ट डेटा को ग्रोथ में बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि 3 तलाक पर ओवैसी का सवाल, मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी है तो हिंदुओं से क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के निजात दिलाने के लिए 3 तलाक को शुक्रवार के लोकसभा में पारित किया गया। इसके बाद से सदन में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। 3 तलाक के बिल का विरोध करते हुए हैदराबाद के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह संविधान विरोधी और आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। मोदी सरकार को मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी है तो केरल की हिंदू महिलाओं से मोहब्बत क्यों नहीं है? आखिरकार सबरीमाला पर आपका रुख क्या है? जी हाँ दोस्तों, सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक विधेयक पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अगर किसी गैर मुस्लिम को केस में डाल दिया जाए तो उसे 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या यह आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है? इस बिल में सिर्फ मुस्लिम पुरुषों की सजा मिलेगी, आप मुस्लिम महिलाओं के हित में नहीं है बल्कि उस पर बोझ डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ने कहा है कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि अगर कोई शख्स 1 साल में 3 तलाक देता है तो शादी टूट जाएगी। ऐसे में बिल में जो प्रावधान है उसे पति जेल जाना होगा और उसे 3 साल की सजा होगा। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं का गुजारा बसर कौन करेगा? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरल की हिंदू महिलाओं से मोहब्बत आपको क्यों नहीं है? क्या आप सबरीमाला के फैसले के खिलाफ है? यह गलत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि पानी के लिए तरस रहे चेन्नई के लोग, केरल के मदद के लिए बढ़ाया हाथ तो तमिलनाडु ने ठुकरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं केरल के सरकार ने गुरुवार को दावा किया था कि तमिलनाडु को 20 लाख लीटर पेयजल मुहैया कराने के लिए वो इच्छा जताई थी, लेकिन तमिलनाडु में अभी तक मदद के लिए कोई अभी तक नहीं आया है। कहते हैं कि यह पेशकश के लिए ठुकरा दिया है। तमिलनाडु सरकार ने पेशकश ठुकराने वाले के बाद से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के पलानी समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा करने के बाद से उचित फैसले की घोषणा करेंगे। इस बीच आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी सानी ने तमिलनाडु के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की है। वहीं DMK प्रमुख MK स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि वह लोगों के मदद करने के लिए केरल के साथ मिलकर के काम करे। स्टालिन के केरल के मुख्यमंत्री से भी यह आभार जताया है। इससे पहले कि केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बयान में कहा गया था कि जैसे ही चेन्नई में बड़े जलाशय पानी की कमी का सामना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में केरल सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाने का निर्णय किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को केरल दौरे में मिल गई है जान से मारने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों में मच गया है हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने केरल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को जाने की से पहले ही जान से मारने की धमकी मिल गई है। आपको बता दें कि ABP न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब केरल के गुरुवायु मंदिर में पूजा करने वहां पर पहुंचेंगे तो उससे पहले जान से मारने की धमकी दी जाएगी। यह खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गई है और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि एक सूत्र के मुताबिक गुरुवायु मंदिर के दफ्तर में एक लिफाफा भेजा गया था। लिफाफे में 500 रुपए के नोट भी भेजे गए थे जिस पर मलयालम भाषा में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी की बात लिखी गई थी। इस नोट में अंग्रेजी में भी लिखा हुआ था। आपको बता दें कि 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी केरल के गुरुवायु
मंदिर गए थे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के एक दिन पहले यानी 7 जून को धमकी वाली चिट्ठी भेजी गई थी। इसके यह खुलासे के बाद एजेंसियां पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा के लिए तत्पर हो गई है। और आपको बता दें कि फिलहाल यह लिफाफा कहां से आया है और कहां भेजा गया है और इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, धर्म और जाति से ऊपर है योग। जी हाँ दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के 5 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश में मुख्य आयोग झारखंड के राजधानी रांची में हो रही है। आपको बता दें कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि योग अनुशासन और समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी गरीब, प्रांत, सरहद के भेद से परे है। योग सबका है और सबका योग करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज के बदले हुए समय में इलेंस में बचाव के साथ साथ वेलनेस का हमारा फोकस करना चाहिए। वही शक्ति हमें योग मिलती है, वही भावना योग है, पुरातत्व हमारी दर्शन की है। योग सिर्फ तभी नहीं होता है जब हम आधा घंटा जमीन पर मैट पर लेटे होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज मुझे आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांव की तरफ ले जा रही है, गरीब और आदिवासी के घर तक ले जा रही है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन पर भी विभिन्न हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि वे गरीब ही हैं जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट झेल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ईरान पर हमले की धमकी, फिर अचानक पलट गया है रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर कीमत वाले मानव रहित अमेरिकी निगरानी ड्रोन विमान को मार गिराए जाने के बाद से सैन्य हमले पर उन्होंने मंजूरी जता दी है। आपको बता दें कि लेकिन हमला करने से पहले ही यह फैसला पलट लिया गया है। यह जानकारी समाचार न्यूयॉर्क टाइम में दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक फैसले में शामिल यह जानकारी रखने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में रडार और मिसाइल बैटरियों जैसे कुछ ठिकानों पर सैन्य हमले की मंजूरी दे दी थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि यह हमला शुक्रवार को सूर्योदय से पहले ठीक होना था ताकि ईरानी सेना और नागरिकों को कम से कम खतरा हो सके। समाचार एजेंसी में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह खबर आ रही थी कि विमान हवा में थे और पोत अपनी पोजीशन पर मौजूद थे, लेकिन कोई मिसाइल नहीं दागी गई जब तक शांत रहने का आदेश दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम में कहा गया है कि इस तरीके के अचानक फैसले को पलट लिए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के ठिकानों पर किए जाने वाला तीसरा सैन्य हमला टल गया है। इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में मौजूद ठिकानों पर 2017 और 18 में हमले की मंजूरी दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें।